हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू शिवांगी टैरो। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक, जिसमें आज हम डिवाइन मैस्कुलाइंस की एनर्जी चेक करेंगे गाइस। और गाइस, मैं अल्टरनेटिव डेज पर करंट एनर्जी चेक कर रही हूँ। ओ माई गॉड, आई ऑलवेज ब्लंडर विद माई वर्ड्स व्हेन एवर आई स्पीक फास्ट, आई रियली नीड टू स्लो इट। ओके, मैं अल्टरनेटिव डेज पर करंट एनर्जी चेक और ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक कर रही हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं डेली वीडियोस लेकर आती हूँ। और मैं कल करंट एनर्जी चेक किया था मैंने, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, काफ़ी लोगों के साथ रेजोनेट किया था, आई होप आपके साथ भी करेगा। और आज हम ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक करेंगे, तो गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप नोटिफाइड हो जाएंगे और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है, आई रियली रियली वॉन्ट टू थैंक यू गाइज, यू आर सो लवली एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं। मैंने काफ़ी लोगों के कमेंट्स पढ़े थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि उन्होंने फर्स्ट टाइम में ही सब्सक्राइब किया है चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर सब्सक्रिप्शन, योर लाइक्स, कमेंट्स, एवरीथिंग एवरीथिंग दैट यू डू। इफ़ यू गिव मी सजेशंस ऑल्सो, दैट आई ऑल्सो अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। तो गाइज, आज हम डिवाइन मैस्कुलाइन्स की एनर्जी चेक तो करेंगे, लेकिन मैं पहले कुछ बताना चाहूँगी आपको। मैंने काफ़ी लोगों के कमेंट्स देखे थे जो पूछ रहे थे कि ट्विन फ्लेम होता क्या है, या फिर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था कि मतलब उन्हें पता तो है कहीं कहीं से कि क्या होता है, लेकिन वो कम्प्लीटली क्लैरिफाइड नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे पास कम्प्लीट क्लियर और 100% ट्राइड एंड टेस्टेड कोई कॉन्सेप्ट है, नहीं, मैं ये दावा नहीं कर रही हूँ, लेकिन लोग पूछते हैं तो मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकती। जितना मैं जानती हूँ या जितना अपनी रिसर्च से मुझे पता है, मुझे आप लोगों को गाइड करना चाहिए, बताना चाहिए ऑब्वियसली। और दूसरी चीज़, सेकंड चीज़ मैं क्या बोल रही थी कि बहुत लोगों को हम एडवाइस करते हैं कि आप इनर वर्क कीजिए। बहुत लोग कहते हैं मैं बहुत टाइम से इनर वर्क कर रहा हूँ और बहुत टाइम से प्रेयर्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ, परंतु इसका जो आउटकम है, यानी कि जो इसका फ़ायदा है, कुछ बेनिफिट मुझे मिल नहीं रहा है। तो गाइज, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, और कई लोगों के कमेंट्स में देखती हूँ जो काफ़ी दुखी होते हैं, दुखी इन द सेंस वो बताते हैं अपनी पूरी इशू जो उनके साथ हुआ है, और वो जो इमोटिकॉन्स होते हैं ना, रोने वाले इमोटिकॉन्स, वो इमोटिकॉन्स बनाते हैं अपने सैडनेस को फील शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। तो उसी से मुझे लगता है कि लोग आई थिंक काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दुखी हैं। और अगर मैं ये सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद आपके कमेंट्स को इग्नोर कर दूँगी, ध्यान नहीं दूँगी और सिर्फ आगे वीडियोस बनाती जाऊंगी, तो ये भी अच्छा नहीं है। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं या फिर व्यू कर रहे हैं, तो आप लोग एक छोटी सी फैमिली बन रहे हैं इस चैनल के लिए। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है आप लोगों को सर्व करने की, जो भी आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अगर मैं जानती हूँ तो, अगर मैं नहीं जानती हूँ तो मैं आपको क्लियरली बोल दूंगी कि मुझे नहीं पता है। तो बहुत से लोगों को ट्विन फ्लेम को लेके, और हाँ गाइस, मैं डिवाइन मैस्कुलाइंस की एनर्जी चेक करूंगी वीडियो में आगे जाके। जिनको भी डायरेक्ट डिवाइन मैस्कुलाइंस की एनर्जी चेक करनी है और जो मैं बता रही हूँ ये सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, नो प्रॉब्लम गाइड्स, इट्स अप टू यू। आप, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन दे दूंगी जहाँ से डिवाइन मैस्कुलाइंस की रीडिंग स्टार्ट होती है, टैरो रीडिंग, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट देख लीजिएगा, बीच आगे का पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, डोंट वरी। सो लेट्स कम टू द टॉपिक वेयर हम देखेंगे कि ये ट्विन फ्लेम्स होते क्या हैं, ट्विन फ्लेम्स क्या हैं। लोग बोलते हैं कि इतना दुख है इस जर्नी में, बहुत दुख है। हाँ, मैंने देखा है, काफ़ी लोगों की स्टोरीज देखी हैं, लोग बहुत दुखी होते हैं और ये सब तो है, पर मैं लोगों को बताना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम का मतलब आप लोग ना, जो लोग जानते हैं वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड फॉर यू, बट जो लोग नहीं जानते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका मतलब ऐसा नहीं होता है। देखिए, मैं पेन पेपर इसीलिए लिया है कि अगर मुझे कुछ भी आपको एक्सप्रेस करना हो तो संभव मैं लिख कर करूँ। जो भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं, एक्सक्यूज मी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, ट्विन फ्लेम्स का कभी ये मतलब नहीं होता कि एक दूसरे के लिए जो रोते हैं, तड़पना और रोना और एक दूसरे के लिए सैडली क्रेव करना, डेस्परेटली चेस करना, ये जो सब बताते हैं आपको कि एक रनर है, एक चेजर है, एक रनर है, एक चेजर है, ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा, फाइन, दैट इज़ फाइन। पर क्या आपको ये नहीं लगता है, देखिए, स्पिरिचुअलिटी
और ये मैं इनको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगी, हालांकि ये कोरिलेटेड है, एवरीथिंग इज रिलेटेड विद इट, पर मैं आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगी। देखिए, और फिर आपको हम ये भी एडवाइस करते हैं कि आपको इनर वर्क करना है, रनिंग चेजिंग की एनर्जी से बाहर आना है। तो ये बात सिर्फ ट्विन फ्लेम्स पर अप्लाई नहीं होती, ईच एंड एवरी रिलेशनशिप रिक्वायर्स दिस, दैट दे नीड टू गेट डिटैच फ्रॉम हुएवर दे पार्टनर इज। मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप किसी के भी साथ हो, आप चाहे DFDM हो या आप एक नॉर्मल सोलमेट या और कोई कैजुअल रिलेशनशिप में हो, नॉर्मल रिलेशनशिप में हो, तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये कि आप तब भी रनिंग एंड चेजिंग ना करें। बिकॉज यूजुअली मैं देख रही हूँ ट्विन फ्लेम्स तो नहीं, ट्विन फ्लेम्स ही नहीं, ट्विन फ्लेम्स भी और बाकी लोग भी, सब लोग रनिंग चेजिंग में लगे हुए हैं। और मैं कई जगह ये भी देख रही हूँ कि कई रिलेशनशिप्स में ऐसा हो रहा है कि कोई लड़के या लड़कियाँ या मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, वो लोग दूसरे इंसान का यूज़ करते हैं, ओके, उनको हर्ट करते हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, और आप यही सोचते रहते हैं कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है तो ये ऐसा करेगा ही, बिकॉज़ ये इसका पीरियड ऐसा चल रहा है, अभी इसकी अवेकनिंग नहीं हुई है, अभी इसने इनर वर्क नहीं किया है, और मैं इनर वर्क कर रही हूँ या मैं इनर वर्क कर रहा हूँ। तो गाइस, इनर वर्क करने का मतलब, और उसके बाद भी आप बहुत सैड होते हैं, आप डिप्रेस होते हैं, आप वेट करते हैं कि वो अपने परिवार में कब छोड़ेंगे अपनी वाइफ को, या फिर अपनी फैमिली से कब लड़ेंगे आपके लिए, यानी कि कब आपके लिए एक्शन लेंगे, इन शॉर्ट ये, क्योंकि आप उनके लिए बहुत क्रेव करते हो, आपको उनकी बहुत याद आती है। और ऐसे ऐसा भी है कई लोगों का जो मैंने देखा है कि आप लोग इतने दुखी हो जाते हो कि आप इन, और फिर आप बोलते हो कि हम प्रेयर्स कर रहे हैं। मैं बताती हूँ गाइस, अगर आप दुखी हैं, आप रोते हैं, आप डेस्परेट होते हैं, या फिर आप ऐसा करते हैं, प्रे करते हैं भगवान से या गॉड से, यूनिवर्स से, अगर आप प्रे करते हैं कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, मतलब मेरा जो DF है या DM है वो फ्री होके मेरे पास आ जाएं, या कुछ लड़ लें सबसे और सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जाएं, या फिर हम शादी कर लें या कुछ कर लें, तो गाइस ये इनर वर्क का पार्ट नहीं है। पहले आपको समझना होगा कि इनर वर्क क्या होता है। पहले आपको समझना है कि इनर वर्क क्या होता है और ये ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं। ट्विन फ्लेम्स गाइस ऐसे जो आपको बताते हैं सब, कि एक आत्मा होती है जिसके दो हिस्से होते हैं जो अलग अलग होते हैं, ओके, एक दूसरे को मिरर करते हैं लाइफ में अलग अलग पीरियड पर, और वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे के अंदर जो कमियां होती हैं उनको हील करने आते हैं। दैट इज़ राइट, कोई गलत नहीं बता रहा है, ये सच बात है। पर आप इसमें क्या कर रहे हैं, आप लोग ये बात को मानी नहीं कि मुझे इस जर्नी में दुखी बहुत होना है, या मुझे इस जर्नी में अपनी फैमिली को छोड़ना है, या मुझे कुछ अलग करना है, मुझे डिप्रेशन में रहना है, या मुझे दुखी रहना है। नहीं गाइस, आपको ये नहीं करना है, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप दुखी नहीं होंगे, आप सैड नहीं होंगे, और आप किसी के लिए डेस्परेटली क्रेव नहीं करेंगे। पहली बात तो ये, कई लोग, आप लोगों को रिलेशनशिप में, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, किसी रिलेशनशिप में सच में इश्यूज होते हैं, और किसी में सच में कोई आपको चीट करके जाता है, कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, कोई आपको अब्यूज़ करता है, कोई आपकी फीलिंग्स को हर्ट करता है बार बार, और आप उसे अपने ट्विन फ्लेम समझकर उस चीज़ को ओवरकम करते हैं और प्रे करते हैं यूनिवर्स से, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग टू योर सोल, ओके, ये गलत है। आप एक सोल हैं, आप भी एक जर्नी पर हैं, अगर आपको इनर वर्क करना है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी और के लिए अपने आप को इतना परेशान करेंगे, इतना टॉर्चर करेंगे, ये गलत है। ट्विन फ्लेम में रियल मतलब ये है कि आप जो भी है आपका DM या DF, आप उसे जहां पर भी है, जिस भी सिचुएशन में है, उसे वैसे ही रहने दें, ओके, उन्हें वैसे ही रहने दें, और वो जो कर रहे हैं उन्हें वैसे ही करने दें। आपको ना उनसे बात करने की क्रेविंग करनी है, ना आपको यूनिवर्स से कोई प्रे करना है कि आप मुझे यूनियन में लाइए, सब होगा, सब होगा, लेकिन इसके लिए आपको डेस्परेटली वर्क नहीं करना है, आपको उनको बार बार कॉल नहीं करना है, मैसेज नहीं करना है, और बार बार रोना नहीं है, रातों में रोना नहीं है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको अपने ऊपर कंप्लीट फोकस करना है, ओके।
लोग इतने परेशान और इतने दुखी हैं कि वो अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं और किसी ने उन्हें चीट किया है। तो पहले तो आप समझिए गाइस कि एक रिलेशनशिप या जो भी है, या फिर आप डिवाइन मैस्कुलेंस या फेमिनेंस हैं, लेकिन अगर कोई आप किसी को ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं और वो ट्विन फ्लेम है नहीं, वो रॉन्ग है, वो रॉन्ग पर्सन है, उसने आपको कई बार चीट किया है और आप उसे ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं, तो वो आपके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम कर सकता है, कर सकता है। इसका मतलब आप सोच रहे हैं और आप अपने आप को हर्ट कर रहे हैं ये सोच के कि किसी दिन वो समझेगा। लेकिन अगर कोई चीटर व्यक्ति है तो वो आपके आपको परेशान कर रहा है और आप उस परेशानी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब मैं बताती हूँ कि ट्विन फ्लेम का मतलब सिर्फ यही है कि आपको किसी के पीछे नहीं भागना। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहूँगी मैं, लीव देम ऑन दिस सिचुएशन। वो जैसे हैं उन्हें वैसे ही छोड़ दीजिए, उनके बारे में सोचिए मत। सेकेंड थिंग इज दिस, डोंट थिंक अबाउट देम। सेकेंड थिंग इज दिस, उनके बारे में सोचिए ही मत। आपको नहीं सोचना है, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं बता रही हूं मैं, आपको ये चीज फॉलो करनी है। मतलब ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू डू दैट, बट अगर आप करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा योर लाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी प्रीशियस। यू कैन नॉट वेस्ट इट, यू कैन नॉट वेस्ट इट ओवर पीपल हु आर नॉट इवन शोइंग केयर एंड रिस्पेक्ट फॉर यू। ऐसे लोगों पर आप अपने जीवन को वेस्ट नहीं कर सकते जो आपके लिए कोई केयर या सम्मान नहीं रखते हैं। आपका रिलेशनशिप जो भी हो, ट्विन फ्लेम हो, नेचुरल कोई कैजुअल या सोलमेट रिलेशनशिप है आपका, कार्मिक रिलेशनशिप है आपका, या आप मैरिड हैं, या कुछ भी सिचुएशन है, आपको जिसको भी आप अपना मानते हैं, अपनी आत्मा का पूरक मानते हैं, अपना मतलब ट्विन फ्लेम मानते हैं, या अपना अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ जो अपना सोलमेट मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, आप उन्हें प्यार करते हैं, इन शॉर्ट आप उन्हें प्यार करते हैं, तो पहली बात तो ये लीव देम। इसका मेरे कहने का मतलब था, देखिए मुझे वर्ड्स आते जाते हैं तो मैं बाद में लिख पाती हूँ। फ्रीडम, लीव देम का मतलब है फ्रीडम। लीव देम का मतलब मैं कहना चाह रही हूँ फ्रीडम, यानी कि उनको फ्री छोड़ दीजिए। और कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने उनको कॉल करना बंद कर दिया है, मैं उनको मैसेज नहीं करती, ना मैं उन्हें मिलने बुलाती, मैं बस इनर वर्क कर रही हूँ और मैं भगवान से प्रे कर रही हूँ, मैं वेट कर रही हूँ, कर रहा हूँ, और मैं बहुत दुखी हूँ, वो कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, आप उनकी एनर्जी चेक करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको उनकी एनर्जी चेक करने से अफेक्ट नहीं होना है। अगर उनकी एनर्जी आपके सिचुएशन के फेवर में चल रही है तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत एक्साइटेड होना है, ओके? और अगर उनकी एनर्जी आपके फेवर में नहीं चल रही है तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दुखी होना है, डिसअपॉइंट होना है। आपको रहना है स्टेबल, बी स्टेबल, आपको स्टेबल रहने की ज़रूरत है, यानी कि आपको ना एक्साइटेड होना है और ना ही आपको डिसअपॉइंट होना है, ओके? तो ये करने की ज़रूरत है। और डोंट थिंक अबाउट देम, आप उनके बारे में पूरा दिन सोच कर अपना समय व्यर्थ नहीं कर सकते, क्योंकि जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको बताया जाता है कि आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, इसका अर्थ ये होता है कि आप कुछ भी हों, आप हाउसवाइफ हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ बिजनेस कर सकते हैं, कोई जॉब होगी, हो सकता है कोई काम अभी नहीं कर रहे हों, इन सर्च ऑफ वर्क हों, या फिर कुछ भी हो आपकी लाइफ में, कोई सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन आपको किसी के बारे में सोचना नहीं है, आपको अपना समय किसी के बारे में सोचते हुए बिताना नहीं है, ओके? क्योंकि आपका जो दिमाग है, यानी कि आपका जो माइंड है, आपको वो स्पेस अपने प्रोडक्टिव लाइफ के लिए यूज़ करना है। कुछ ऐसा सोचिए जिससे कुछ प्रोडक्टिव हो, सोसाइटी में किसी को कुछ अच्छा हो, या आपके लिए कुछ अच्छा हो, या आप अपनी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव करें, आप ऐसा सोचिए, ना कि आप किसी और के बारे में सोचकर, जिसको हम ओवरथिंकिंग भी कहते हैं, ओवरथिंकिंग करके अपना समय व्यर्थ करते हैं। ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर आप उन्हें लीव नहीं करते, उन्हें फ्री नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि पकड़ के रखा है आपने। आप कहते हैं कि मैंने उनसे बात करना छोड़ दिया है, मैं उनसे दूर हूँ अब, लेकिन आप कितना भी दूर हो जाए उनसे फिजिकली, जब तक आप रोते रहेंगे, दुख की एनर्जी में रहेंगे, आपकी जो एनर्जी है
वो उनको ऐसे ही मिलेगी कि कोई मेरे लिए तड़प रहा है, रो रहा है, और वो कभी भी आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उससे अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो हमेशा यही सोचेंगे कि आपकी एनर्जी हमेशा उनके अराउंड होगी, तो उनको कभी भी आपकी एब्सेंस या आपकी कमी नहीं लगेगी। देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, किसी व्यक्ति के बारे में आप दिन और रात सोचते रहिए, 1 साल सोचते रहिए, 2 साल सोचते रहिए, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, और जब आप सोचेंगे क्या सोचना छोड़ दो यार, मैं तो भूल गया या भूल गई, और आप कुछ और सोचेंगे, कुछ और काम में व्यस्त हो जाएंगे, बिजी हो जाएंगे, तो आपको वो व्यक्ति अचानक मिल जाएगा, आपको उनका रिक्वेस्ट आ जाएगा, आपको उनका फोन कॉल आ जाएगा, सडनली आपसे कहीं मुलाकात हो जाएगी। तो वो क्यों? क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज उनसे पुल कर ली। लेकिन जब आप उनके बारे में पूरा दिन सोचते हैं तो आप अपनी एनर्जीज उनको भेजते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही वो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव नहीं है, वो आपका कुछ भी भला नहीं कर रही हैं, लेकिन आप उन्हें भेजते रहते हैं और अपना भी समय व्यर्थ करते हैं और आपको उससे कुछ नहीं मिलता है। तो आपको उनके बारे में नहीं सोचना है, उन्हें फ्री छोड़ देना है और स्टेबल रहना है। यानी कि अगर वो चलो उन्होंने बात कर भी ली तो बहुत एक्साइटेड नहीं होना है, स्टेबल रहना है। दूसरा क्या है? फियर्स। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर जो डर है कि वो थर्ड पार्टी है उनके लाइफ में, क्या वो मुझे दोबारा चीट करेंगे, क्या वो दोबारा चले जाएंगे, जब आएंगे तो यूनियन होगा तो कैसा होगा, ये डर है आपके मन में, आपके मन में बहुत डर है। आपके मन में जब डर रहेगा तो ये इनर वर्क नहीं कहलाएगा। इनर वर्क पर भी बात करेंगे अभी हम, पर आपको डर खत्म करना है अपना, आपको डर में नहीं रहना है, आपको किस में आना है? बी सेटिस्फाइड। आपको अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड रहना है कि मैं कंप्लीट हूं अपने आप में। बी सेटिस्फाइड एंड ऑब्लिक कंप्लीट। आपको कंप्लीट फील करना है। एक कंप्लीट व्यक्ति कैसा होता है? एक कंप्लीट व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने करियर पर ध्यान देता है, अपनी हेल्थ पर ध्यान देता है, जो जरूरी चीजें हैं सोसाइटी के लिए, ह्यूमनिज्म के लिए, इंसानियत के लिए, उन पर ध्यान देता है और सही पाथ फॉलो करता है, और सदैव यानी कि हमेशा किसी के बारे में सोचता नहीं रहता। ओके, अगर आप सदैव दूसरों के बारे में चिंतन करते रहेंगे तो आप अपनी वैल्यू नहीं समझेंगे, आप कभी भी प्रोडक्टिव नहीं होंगे, और उसको हम इनर वर्क कभी नहीं कहेंगे, वो इनर वर्क है ही नहीं। ओके, तो अपने आप को कंप्लीट मानने से फियर्स चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे? आप जब मान लेंगे मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं परफेक्ट हूँ, मैं अपने लिए जैसा हूँ, मैं अपने आप को वैसा ही एक्सेप्ट करता हूँ, करती हूँ, और मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करने वाली या ऐसा नहीं सोचूंगी कि मेरे संग ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, किसी ने कुछ करना है, कोई कुछ बिहेव कर रहा है, वो बिहेवियर गलत हो सकता है, लेकिन आप अगर स्टेबल हैं, अगर आप स्टेबल हैं, आप अगर सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, तो अपनी लाइफ से, तो आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मेरे में कमी है, अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। ओके, तो इससे हमारा अगला पॉइंट बनता है स्टॉप सेल्फ क्रिटिसिज्म। आप अपने आप की बुराई करना बंद कर दीजिए। ओके, अपने आप की बुराई करना बंद कर दीजिए। आप जो लोग करते हैं कि हम ही ऐसे हैं, हमारे साथ नहीं कुछ नहीं होगा, हमें कोई नहीं मिलेगा, नहीं करेगा कोई हमारे रिस्पेक्ट, कितना भी हम इनर वर्क कर लें, कितना भी प्रे कर लें, इस एनर्जी से बाहर आइए। ठीक है, सेल्फ क्रिटिसाइज करना बंद कीजिए, अपने आप को सेटिस्फाइड और कंप्लीट फील कीजिए। जब आप ये दोनों करेंगे ना, और किसी और के बारे में सोचना बंद करेंगे, ओके, जिस जो भी है आपकी लाइफ में, आपका लव, उसको आप फ्री छोड़ देंगे। ओके, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग राधा कृष्ण के बारे में जानते हैं, पर आई एम श्योर मोस्टली जानते होंगे, पर ये सिर्फ मैं एक लव स्टोरी की तरह इसका एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। देखिए, वो राधा कृष्ण जो थे, राधा ने उन्हें बचपन में, ये मैंने स्टोरी सुनी हुई है, मैं कोई गारंटी नहीं लेती हूँ, पर मैंने एक स्टोरी सुनी है और जो स्टोरी मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग और अच्छी लगी, तो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, क्योंकि उसमें प्यार का अर्थ समझाया गया है। देखिए,
जब कृष्ण की जो उम्र थी वो राधा जी से थोड़ी कम थी, कृष्ण जी की उम्र, तो कृष्ण जी जब राधा जी कृष्ण जी को बचपन में पहली बार देखा था कृष्ण जी को, तो राधा जी ने अपने मन में उन्हें अपना माना था, उन्हें अपनी आंखों में वहीं कैप्चर कर लिया था। ओके, वो मोमेंट जो था उन्होंने वहीं अपने अंदर कैप्चर कर लिया था। उसके बाद वो बड़े हुए, कृष्ण जी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से उन्हें जाना था, गोकुल छोड़ना था, वृंदावन छोड़ना था, उन्हें जाना था आगे, क्योंकि उनका जो लाइफ का पर्पस था वो कुछ और था, कुछ और पर्पस था लाइफ का। तो कि राधा ने क्या करना था, राधा को भी पता चला कि कृष्ण जी जाएंगे, तो क्या किया उन्होंने, क्या वो रोई, क्या वो क्रेव की, नहीं, डेस्परेट हुई, डेस्परेट होकर रोई कि मुझे कब मिलने आएंगे या आप मुझे छोड़कर कैसे चले गए। कुछ पल का दुख जरूर हुआ था, लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या समझा, उन्होंने कहा कि जब मैंने तुम्हें बचपन में देखा था उसी समय से आप मेरा हिस्सा बन चुके थे, आप मेरे भीतर ही थे, आप मुझ में ही हैं, यानी कि जो मेरा शरीर है उसमें मैं आधा हिस्सा आपका महसूस कर सकती हूँ, जो मेरा दिल है मैं उसमें आधा हिस्सा आपका महसूस कर सकती हूँ, और जो मेरा दिमाग है मैं उसमें आधा हिस्सा आपका महसूस कर सकती हूँ, इवन भावनाओं में भी वो आधा हिस्सा कृष्ण का महसूस कर सकते हैं। तो जब कृष्ण उनके साथ ही हैं, जब कृष्ण उनके साथ ही हैं, तो उन्हें क्या ज़रूरत है दुखी होने की, उनको पकड़ के रखने की। उन्होंने कृष्ण को लीव किया, उन्होंने कृष्ण जी को फ्री किया, फ्रीडम रखी कि आपको जो करना है, जो आपकी लाइफ का पर्पस है आप वो करिए, वो ज़रूरी है, आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है आप वो करिए, ऐसे ही आप अपने पार्टनर्स को फ्री छोड़ दीजिए। कृष्ण जी ने कई जगह प्रेम का अर्थ समझाया है कि प्रेम का असली अर्थ ये है कि फ्री छोड़ना, फ्रीडम देना, आप अपने जिससे प्रेम करते हैं आप उसे फ्री छोड़ दीजिए, उसे जाने दीजिए, उसे जो करना है करने दीजिए, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे वो पूरी करने दीजिए। आप उनसे प्रेम करते हैं, अगर आप उनका आधा हिस्सा हैं, आप उनके पूरक हैं, वो और आप मिलकर एक यूनिट बनते हैं, तो वो आपके अंदर ही हमेशा, वो आपके अंदर ही हमेशा। और जब आप अपने प्रेम को, आप जिससे प्रेम करते हैं उसको आप अपने अंदर महसूस करने लगते हैं ना गाइज, वो होता है कनेक्ट इनर वर्क, फील देम इन योर हार्ट। हाँ, तो इनर वर्क का फर्स्ट स्टेप हम कहाँ पहुँचे कि आप अपने प्रेम को अपने अंदर फील कर लीजिए। आपको जिसको प्रेम करते हैं क्या वो एक शरीर है, नहीं, आप एक बॉडी से प्रेम करते हैं, नहीं, आप उस सोल से प्रेम करते हैं, और वो सोल आपकी सोल से जुड़ी हुई है जब आप उनसे प्रेम करते हैं, तो आप अपने आप में एक स्मॉल यूनिवर्स हैं, आप जैसे इस पूरे यूनिवर्स में इतनी सारी सोल्स हैं, तो आप भी अपने आप में एक स्मॉल यूनिवर्स का पार्ट हैं, आप भी उनकी सोल को यानी कि अपने प्रेमी की सोल को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, आप उन्हें अपने अंदर पा सकते हैं। जब हम कहते हैं ना हम भगवान हर जगह ढूंढते हैं या हम गॉड को हर जगह ढूंढते हैं, फिर हमें कोई बताता है कि वो आपके अंदर ही हैं, तो कहने का मतलब ये है कि अब हम उन्हें अपने अंदर फील कर सकते हैं, अब हम जहाँ भी हों उन्हें अपने अंदर फील कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको राधा की तरह कृष्ण जी को अपने अंदर पाना है, ऐसे ही कृष्ण जी भी राधा को अपने अंदर पाते थे। मैं आपको एक एग्जाम्पल और देती हूँ, एक स्टोरी और है, जब राधा जी इतना जानती नहीं थी, इतना अवेक नहीं थी, तब उन्होंने कृष्ण जी से एक बार पूछा था कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगे, या फिर क्या हमारा विवाह होगा, क्या हमारी शादी होगी बड़े होके। तब कृष्ण जी ने उन्हें ज्ञान दिया था, उन्हें समझाया था, वही राधा ने आगे कंटिन्यू किया। राधा जी ने कृष्ण जी ने उनसे कहा कि राधा तुम मेरा आधा हिस्सा हो, ओके, तुम मेरा आधा हिस्सा हो, तुम और मैं हम कंप्लीट होके एक होते हैं, तो मैं अपने आप से शादी कैसे कर सकता हूँ। कृष्ण जी ने राधा से कहा कि मैं खुद से शादी कैसे कर सकता हूँ, तुम और मैं एक ही हैं, शादी तो किसी दूसरे व्यक्ति से की जाती है, शादी किसी ऐसे व्यक्ति से की जाती है जो अलग है, आपसे अलग है, गैर कह सकते हैं, दूसरा व्यक्ति, गैर नहीं कहना चाहती मैं, कोई दूसरा व्यक्ति है जिससे जो आपके अंदर ही नहीं है, आप उसे अपने अंदर फील नहीं करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कंप्लीट होना आपके अंदर फील नहीं होता आपको, पर वो दूसरा व्यक्ति है, ओके, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे व्यक्ति का अपमान करना चाहिए, दूसरा व्यक्ति है, तो उसके साथ आपके विवाह होता है, उसके साथ आपकी शादी होती है। लेकिन कृष्ण जी राधा से कहते हैं कि मैं तुमसे विवाह कैसे कर सकता हूँ
क्योंकि मैं खुद से शादी नहीं कर सकता। शादी करने के लिए तो हमको किसी और की जरूरत होती है। और तभी राधा इस बात को और गहराई में समझती हैं कि ये सच बात है, मैं और कृष्ण तो एक ही हैं। ओके, शादी जैसे बंधन में बांधने के लिए ये बात बहुत छोटी हो जाएगी कि आप शादी करेंगे तभी आप हमारे हैं वरना आप हमारे नहीं। ये बात बहुत छोटी हो जाएगी। अगर आप वो और आप एक ही हैं तो शादी हो जाइए, बूढ़े हो जाइए, कुछ भी हो जाइए, आगे कुछ भी अलग इनकारनेशन हो जाएगा, कुछ भी हो जाए, आप लोग एक ही हैं। ओके, तो शादी इस प्रेम के आगे बहुत छोटी पड़ जाती है, आप लोग जब एक ही होते हैं तो। ओके, तो सेकंड चीज़ इसमें क्या बताना चाहूँगी, फर्स्ट तो ये था कि उनको आप अपने अंदर ही फील कीजिए क्योंकि वो आपके अंदर ही हैं। ओके, यही है इनर वर्क। इनर वर्क में सेकंड आप क्या कर सकते हैं कि आपको जब भी अपने प्रेम को याद करने का मन करे, ओके, तो आप या फिर आपको उनकी याद आए या आपको उनके लिए कुछ फीलिंग्स फील हो रही हैं तो आप आंखें बंद करके आपके अंदर जो वो हैं आप उन्हें फील कीजिए। ओके, ध्यान लगाइए। ध्यानम लिखा है मैंने, ध्यान लगाइए से मेरा मतलब है कि आप मेडिटेट करिए, आप आंखें बंद कीजिए और आप उन्हें अपने अंदर फील कीजिए। ओके, उन्हें अपने अंदर फील कीजिए। और इनर वर्क का क्या मतलब है, इनर वर्क करते समय आप रोते नहीं हैं, अपनी वर्थ समझते हैं, वैल्यू योर लाइफ एंड टाइम। आप अपने समय की और अपनी लाइफ की वैल्यू कीजिए। आपका जो समय है जिंदगी का वो किसी अच्छे प्रोडक्टिव काम में निकले, जैसे कि मान लीजिए कोई कोई लड़की है या कोई लड़का है या कोई भी स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आपको धोखा मिला, फिर आप 1 साल तक दुखी होते हैं और लोग भी आपको बोलते हैं कि ये 1-1.5 साल तुम दुखी रहोगे, डिप्रेस होगे, लेकिन बाद में मूव ऑन कर लोगे या कर लोगी। अच्छा, बड़ा ठीक कहा लोगों ने, लेकिन आप ये बताइए कि जब आपने 1-1.5 साल बाद मूव ऑन किया तो जब भी आप बूढ़े हो जाइए या काफ़ी एजड हो जाइए, 50-60s में पहुंच जाइए अपने, तो आप अपनी लाइफ के 1.5 साल वेस्ट मानेंगे कि नहीं? क्योंकि अब तो तब आप मूव ऑन कर चुके होंगे, तब तो आप क्या कहेंगे कि वो 1.5 साल या 1 साल जितना भी वक्त मैंने डिप्रेशन में गुजारा है वो वेस्ट हो गया, उस समय में कितना अच्छा कर सकता था अपने लिए, अपनी अपने सोसाइटी के लिए, अपने लिए, अपनी लाइफ को और कितना अच्छा बना सकता था। इतनी छोटी सी छोटा सा जीवन है और इतना कुछ अच्छा करना है मुझे और मैंने 1-1.5 साल वेस्ट कर दिया बस बैठे होके दुखी दुखी। तो आपको अपनी लाइफ की वैल्यू समझनी है, ये लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। ओके, बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। तीसरा इनर वर्क में किया है कि आपको प्रेजेंट में जीना है। आपको प्रेजेंट में जीना है, यानी कि आप अगर पास्ट में जीते हैं कि क्या हुआ था रिश्ते में आपके, क्या नहीं हुआ था, या फिर आप फ्यूचर में जीते हैं कि क्या होगा, या तो आप फियर में जी रहे होंगे कि कहीं ऐसा ना हो मुझे छोड़ दे, या कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ कुछ गलत हो, ये चले ना जाए, इनको किसी और से कोई अट्रैक्शन ना हो जाए, या फिर आप ये सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में कि हमारी शादी हो जाएगी, फिर ऐसा होगा, फिर हमारी फैमिली होगी, फिर हम ट्रिप्स पे जाएंगे, फिर हम पिकनिक करेंगे, ये सोच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि या तो आप अतीत में जी रहे हैं या आप भविष्य में जी रहे हैं। इसका मतलब ये है वर्तमान से आपका कोई नाता ही नहीं, परंतु सच क्या है, सच ये है कि जो भी कुछ है वो वर्तमान में ही है, प्रेजेंट में ही है। तो आपको प्रेजेंट में जीना पड़ेगा, आपको इमेजिनेशन नहीं करनी है फालतू की कि पास्ट के बारे में सोचकर अपने आप को पीड़ा का अनुभव नहीं देना है और भविष्य के बारे में सोचकर अपने आप को कोई आनंद देने का प्रयास ना करें, ठीक है? तो आप लिव इन प्रेजेंट करिए, अपने फियर्स को ख़त्म कीजिए, ठीक है? तो एक मैं आगे, और अभी तो ये काफ़ी लेंदी हो गया, काफ़ी लोग बोलेंगे मुझे ओ मैन व्हाट यू डिड इट वाज सो लेंदी, वी कैन नॉट बेयर दिस, बट मैंने बताया जैसा कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगी कि कहाँ से मैस्कुलिन की जो एनर्जी चेक है वो शुरू है। ओके,
तो मैं आपको ऐसा वीडियो और लेकर आऊंगी, अगर आपको ठीक लगा हो तो ठीक है, पर अगर स्टिल किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं मैं आगे और वीडियो लेकर आऊंगी। ये सिर्फ ट्विन फ्लेम वाली बात नहीं है, ये सभी के लिए है। कोई भी रिलेशनशिप कैसा भी हो, आपको अपने ऊपर वर्क करना बहुत जरूरी है। आपको अगले इंसान के बारे में सोचना ही नहीं है। मैं रिपीट कर देती हूँ पॉइंट्स, आपको लीव देम एंड फ्री, आपको उनको फ्री छोड़ देना है। जैसी भी उनकी सिचुएशन है आप उन्हें फ्री छोड़ दीजिए। डोंट थिंक अबाउट देम, उनके बारे में सोचना ही नहीं है। अपने माइंड को फ्री रखना है, काम रखना है, किसी के बारे में नहीं सोचना। इनके उनके क्या, किसी के बारे में नहीं सोचना है आपको। किसी ने क्या गलती की क्या नहीं की, जस्ट फॉरगिव देम एंड मूव ऑन। किसी के बारे में मत सोचिए। बी स्टेबल, अगर वो आपको फोन करते हैं मिलने बुलाते हैं तो ओवर एक्साइटेड और ओवर हैप्पी मत होइए। और अगर आपसे कहते हैं कि अगर आपका फोन नहीं उठाते 3-4 बार तो आप दुखी मत होइए। पहली बात तो आप ऐसे डेस्परेटली कॉल वॉल करना बंद कर दीजिए, फ्री कर दीजिए उनको। ओके, फिर फोर्थ है हमारे पास फियर्स, अपने डर खत्म कीजिए। आपको कोई छोड़ देगा, आपको कोई धोखा देगा, या फिर आपको कोई मिलेगा नहीं, ये वो। और आपको कोई और भी अगर डर लग रहा है अपने रिलेशनशिप को लेके या किसी बात को लेके, तो अपने डर को आप खत्म कर दीजिए। डरने की जरूरत नहीं है आपको, आप अपने आप को सेटिस्फाइड और कंप्लीट फील कीजिए। सॉरी फॉर द नॉइस गाइस, आप अपने आप को सेटिस्फाइड और कंप्लीट फील कीजिए, यानी कि आप जो हैं जैसे हैं आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं। ओके, और आप अपने ऊपर वर्क करते हैं। स्टॉप सेल्फ क्रिटिसिज्म, इसका मतलब ये है खुद की बुराई करना बंद करें। इसका मतलब ये नहीं कि अभिमान में, घमंड में आप खुद के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा नहीं करना है। आपको बस अपनी बुराई करना बंद करना है, अपने ऊपर दया खाना छोड़ दीजिए और अपने आपको कंप्लीट और सेटिस्फाइड फील कीजिए, क्योंकि आपको जो प्रेम है वो आपके अंदर है। इनर वर्क जो हम बात कर रहे थे, क्या है उसमें इनर वर्क, होता क्या है इनर वर्क में? आपको रो रो कर प्रेयर्स नहीं करनी, नो नो नो। रो रो कर प्रेयर्स करना, इसका मतलब बहुत ही डिमांडिंग होना, बहुत ही डेस्परेट होना, बहुत ही क्रेव करना, ये सब गलत है। ये तो गलत है ना, ऐसे कैसा इनर वर्क है जो आपको शांति ही नहीं दे सकता? तो इनर वर्क का मतलब वो है ही नहीं। इनर वर्क का मतलब है फील देम इन योर हार्ट। कोई भी जिनसे आप प्रेम करते हैं, वो उनके वो आपको मिले जीवन में नहीं मिले, पर आप उन्हें अपने अंदर फील कर सकते हैं। आप ध्यान लगाइए, यानी कि आप मेडिटेट कीजिए और अपने दिमाग को स्टेबल करिए। मेडिटेशन का स्टेबल से डायरेक्ट कनेक्शन है। ओके, अपने आप को स्टेबल कीजिए और वो जिससे आप प्रेम करते हैं वो आप उसको अपने अंदर ही पाएंगे। थर्ड है वैल्यू योर लाइफ एंड टाइम। आप कभी भी किसी के बारे में भी सोचते हुए अपना समय व्यर्थ ना करें, ना ही डिप्रेस होके, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपना समय बहुत वेस्ट करते हैं दूसरों के बारे में सोचते हुए मतलब अपने यही सोचते हुए कि आप, उन्होंने आपके साथ क्या किया, आप कितने दुखी हैं। लिव इन प्रेजेंट, यानी कि चिंतन ना करें अतीत और भविष्य को लेकर। आप अपने वर्तमान पर अपना पूर्ण ध्यान जो है वो आकर्षित करें, वहीं वर्तमान पर अपने प्रेजेंट में जिएं। आपको याद होगा, आई एम अ सुशांत सिंह राजपूत फैन, मैनी आर, सो मैं बलार, सो मैं कह रही थी कि उन्होंने एक वीडियो में कहा था, मैंने उनकी क्लिप देखी थी, उन्होंने कहा था कि वो काफ़ी स्पिरिचुअल थे। ऐसा कई जगह हमने देखा है, कई वीडियोस में या कहीं पढ़ा है आर्टिकल्स में, उन्होंने कहा था कि मैं बहुत ही मायोपिक सा इंसान हूँ और मैं ज़्यादा आगे की सोचता नहीं हूँ। तो इसका मतलब क्या है? मायोपिक होने का मतलब, मायोपिक बायोलॉजी में एक टर्म है जिसमें हम, जैसे कि आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। इसका मतलब होता है कि आँखों के लिए ये टर्म यूज़ की जाती है। जब आपको मायोपिया होता है तो आपको दूर का दिखाई नहीं देता, आपको पास का दिखाई देता है। हाइपरमेट्रोपिया होता है तो आपको पास का दिखाई नहीं देता, दूर का दिखाई देता है। तो वही वो कह रहे थे, मैं बहुत ही मायोपिक सा इंसान हूँ। इसका मतलब ये कह रहे थे वो कि मैं सिर्फ पास का, यानी कि अभी जो है, जो आज है, सिर्फ उसी के बारे में सोचता हूँ, आगे के बारे में नहीं सोचता। तो उन्होंने बायोलॉजिकल टर्म यूज़ किया था। ओके, तो आपको प्रेजेंट में जीना है, समझ गए होंगे आप लोग ये। और कुछ लोग, लगता है आज गुस्सा ना हो जाए कि मैंने आज काफ़ी लेक्चरबाजी कर दी फिर भी चलिए, तो डिवाइन मैस्कुलाइंस की एनर्जी स्टार्ट करते हैं चेक करना। करेंट फीलिंग्स ऑफ डिवाइन मैस्कुलाइंस, वो क्या फील कर रहे हैं आप चेक कर लीजिए, पर आपको उस हिसाब से अपने आप को और इंक्रीज करना है, अपने आप को और एनहेंस करना है। वी कैन नॉट टेक मोर देन 2 कार्ड या मोर देन 1 कार्ड। ओके, करेंट फीलिंग्स ऑफ डिवाइन मैस्कुलाइन, ओके।
किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ कप्स। ओके चलिए इन सभी कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। आश, बहुत बोला मैंने, आई नीड वाटर बट आई विल हैव आफ्टर रीडिंग। मैंने पानी अपने पास आज रखा नहीं। क्लैरिफाई दीज कार्ड्स, क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। The Tower, Knight of Cups, Eight of Pentacles, Four of Cups, Five of Cups clarified by Four of Cups. Okay. Energy of deck is Queen of Swords. I hope you can see. आप देख पा रहे होंगे energy of deck क्या है। तो चलिए आपके divine masculines की current energy बताते हैं आपको। डिवाइन मैस्कुलेंस की लाइफ में ऐसा लग रहा है कि कोई टावर पीरियड आया है, कोई टावर मोमेंट आया है। उनकी लाइफ में कोई एक ड्रास्टिक चेंज आया है, या तो वो अपने घर, या तो उनकी किसी से लड़ाई हुई है, उनकी जो कार्मिक पार्टनर्स हैं इस उनसे आपके जो डिवाइन मैस्कुलेन है उनसे आपके कार्मिक पार्टनर की लड़ाई हुई है। डीएम्स जो है वो अपने कार्मिक पार्टनर से बहुत झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे लड़ रहे हैं वो, क्योंकि उन्हें आपके लिए प्यार फील हो रहा है। प्यार कह रही हूँ, माय गॉड इट वाजंट दैट क्यूट, ओके आई एम सॉरी, आई वाज ट्राइंग टू बी क्यूट, इट वाज जस्ट दैट आई फॉरगेट दैट आई एम इन फ्रंट ऑफ द पीपल हु आर जजिंग मी विद द वीडियो। ओके लीव इट। सो किंग ऑफ कप्स, वो आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं और इसीलिए वो लड़ रहे हैं कार्मिक पार्टनर से। ओके वो कार्मिक पार्टनर से लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें आपके लिए एक अट्रैक्शन, एक पुल फील हो रहा है, क्योंकि काफ़ी डिवाइन फेमिनाइन से मैंने लास्ट वीडियो में बताया था काफ़ी इनर वर्क कर रही हैं, इसीलिए वो लड़ रहे हैं। ओके वो लड़ रहे हैं और वो इसीलिए टावर मोमेंट आएगा गाइज, उनकी लाइफ में टावर मोमेंट आएगा और वो आपको प्यार ऑफर करेंगे, यानी कि किंग ऑफ कप्स लव ऑफर करेंगे आपको। ठीक है देखिए दोनों कार्ड, ये जो दोनों ये चारों कार्ड्स हैं वो यही बता रहे हैं उनकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आएगा। ओके वो जिससे भी झगड़ा कर रहे हैं वो उनसे उनसे जीत कर, उनसे ओवरकम करके आपको लव ऑफर करेंगे। और ये कार्ड्स भी यही बता रहे हैं कि उनकी लाइफ में बहुत ही लड़ाइयाँ हो रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, कार्मिक से हो सकते हैं या फैमिली से हो सकते हैं, लड़ रहे हैं वो क्योंकि उन्हें आपके लिए एक अट्रैक्शन फील होता है और वो जिनसे भी लड़ रहे हैं उनसे लड़ने के बाद आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। वो ऐसे ही आपको ऑफर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके लाइफ में प्रेशर फील है, प्रेशर फील कर रहे हैं, वो काफ़ी बर्डन फील करते हैं झगड़े का, तो वो ये लड़ाई कर करा के ये चीज़ें निपटा के आपको नाइट ऑफ कप्स, ये आपको कप ऑफर करना चाहते हैं, यानी कि आपको लव ऑफर करना चाहते हैं। ओके तो यहाँ पर भी ये है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगा उनकी लाइफ में, ड्रास्टिक चेंज आएगा, उसके बाद आपको कप ऑफर करेंगे। यहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं किसी से, उसके बाद ही आपको कप ऑफर कर रहे हैं, तो ऑफर तो कुछ होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, ऑफर तो कुछ होने वाला है। और देखिए यहाँ पर भी जैसे कि आप जो हैं डिवाइन फेमिनाइंस होंगी, आप लोग जो इनर वर्क कर रहे हैं, देखिए ये इन्फिनिटी का साइन है, ये एंजल है, ये कैसे इस लाइन को हील कर रही है, लाइन कितना स्ट्रांग एंड ब्रेव होता है जैसे डिवाइन मैस्कुलाइंस, और फिर भी ये उन्हें हील कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। ओके उनके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं काफ़ी, और यहाँ पर उनकी लाइफ में टाव मोमेंट आ रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ तो ड्रास्टिक चेंज आ रहा है ना, तो आप उन्हें अपनी हीलिंग एनर्जी भेज रहे हैं। अगर नहीं भेज रहे हैं तो भेजिए, ये कार्ड बताता है कि ऐसा करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइंस है ना वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है फाइनेंशियली उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, उन्हें अपने करियर पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत पड़ रही है, और या फिर उनकी फैमिली में या कार्मिक में इतने इश्यूज हो रहे हैं जहाँ पर वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो काफ़ी दुख में है वो, क्योंकि फाइव ऑफ कप्स यहाँ पर है। ओके काफ़ी दुखी है वो, या तो गाइज ये आप हो सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन मैस्कुलेंस पता नहीं कब ऑफर करेंगे कुछ, या कब प्यार ऑफर करेंगे, या कब आपका प्यार है जो एक्सेप्ट करेंगे उसको, क्योंकि यहाँ पर
कोई है जो प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आपको लग रहा है गाइस कि आपका प्यार डिवाइन मैस्कुलाइन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप बहुत दुखी हो गए हैं, बहुत दुखी हो गए हैं। पर आप दुखी मत होइए, क्योंकि वो कोई इंजॉय नहीं कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको तो उन्हें हील करने की ज़रूरत है। जैसे ये एंजल हील कर रही है इस लाइन को, ऐसे ही आप हील करिए, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और आप यहाँ पर अपना टूटा हुआ दिल लेके बैठे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है इस सिचुएशन में, कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए, जैसे कि ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति इतना दुखी है कि 3 कप्स जो गिरे हुए हैं इनको देखकर इतना निराश है कि पीछे 2 कप्स हैं उन्हें देख ही नहीं रहा है। तो यानी कि आपको निराशावादी होकर ऐसा नहीं सोचना है कि आपके पर्सन जो है डिवाइन मैस्कुलाइन वो कुछ कर नहीं रहे इस सिचुएशन में, कुछ होगा नहीं, ज़रूर होगा। आप दुखी इसलिए हैं, आपका दिल टूटा है, आप ऐसा फील कर रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपका लव है वो डिवाइन मैस्कुलाइन ने एक्सेप्ट नहीं किया है। ओके, ऐसा नहीं है, वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है, हील करिए। क्योंकि वो ऑफर तो देखिए करेंगे आपको, करेंगे आपको ऑफर करेंगे जब उनकी लाइफ में टावर मोमेंट आएगा, यानी कि ड्रास्टिक चेंज आएगा। वो जिनसे भी लड़ रहे हैं, जिनसे भी उनके इश्यूज चल रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे लड़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, वैंड से जो क्या कहते हैं लाठियाँ होती हैं, लठ कहते हैं गाँव में, लठ चला रहे हैं, यानी कि लाठियों से लड़ाई कर रहे हैं, उसके बाद आपको कुछ ऑफर करेंगे। ओके, तो यार अभी तो बहुत स्ट्रगल चल रहा है। ओके, प्लीज डोंट बी सो रूड ऑन योर डिवाइन मैस्कुलाइंस। ओके फेमिनाइंस, आगे देखिए कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, जो यह दर्शाता है कि वो डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन लेंगे, और जो भी टाव मोमेंट आएगा, यानी कि जो भी ड्रास्टिक चेंज आएगा, जिसके साथ भी, वो थर्ड पार्टी यानी कि कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं या फैमिली हो सकती है, जिनसे भी वो लड़ रहे हैं ना, उनसे ये लड़ाई खत्म हो जाएगी तो वो मूव ऑन कर लेंगे। ओके, जो भी थर्ड पार्टी है वो डिसअपॉइंट होकर चली जाएगी यहाँ से, आपके सिचुएशन से, और आपके पर्सन डिसाइड कर लेंगे। ओके, 1 मिनट, आपके पर्सन डिसाइड कर लेंगे, और उसके बाद आपके पर्सन स्टार के एनर्जी में आ जाएंगे। और आगे देखिए, आप ही देख लीजिए मैं क्या कह रही हूँ, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है। ओ माय गॉड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तो देखिए, अब तो बताना पड़ेगा, अब तो बताना पड़ेगा। ओके, तो जब उनकी जो टावर मोमेंट आएगा, उस टावर मोमेंट के बाद जो थर्ड पार्टी है, जो भी आपके पर्सन को बहुत इशू क्रिएट कर रहे थे, वो मूव ऑन कर लेंगे, डिसअपॉइंट होकर चले जाएंगे। आपके पर्सन डायरेक्टली एक स्ट्रांग डिसीजन ले पाएंगे, जैसे कि ये किंग है, स्ट्रांग डिसीजन लेने लायक लगता है कि नहीं लगता, लगता है ना, ये किंग ऐसा है जिसने डिसाइड कर लिया है, और वो स्टार की एनर्जी में आ जाएंगे। ओके, कि अब मैं स्टार हूँ, मेरे पास तो इतने सारे कप्स हैं, फुल ऑफ लव हैं वो उनके पास, तो फिर आपको ऑफर कर पाएंगे ना कप ऑफ लव, तो वो स्टार के एनर्जी में आ जाएंगे, और उसके बाद 2 ऑफ कप, ये आपको ऑफर करेंगे लव, और आप भी उन्हें अपना लव एक्सप्रेस करेंगे। दैट इज़ ब्यूटिफुल, आई एम हैप्पी फॉर यू। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून यही है किस्मत में, यही डेस्टिनी में है आप लोगों के, कि आप लोग एक दूसरे को कप ऑफर करेंगे जब आपके पर्सन डिसाइड करके स्टार के एनर्जी में आ जाएंगे। द वर्ल्ड का कार्ड यही दर्शाता है कि यही है जो होना है। ओके, ये वही, आपके पर्सन दूर भी हो सकते हैं आपसे, कहीं कोई फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, जैसे कि वो किसी दूसरी सिटी में, दूसरी स्टेट में, दूसरी कंट्री में रहते हों, ऐसा हो सकता है आपके पर्सन दूर रहते हैं आपसे काफ़ी, पर आपको ऑफर करेंगे प्यार। देखिए 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, क्योंकि जो भी जिससे भी टाव मोमेंट आएगा, जिसके साथ भी वो मूव ऑन करने वाली है या वाला है, या फैमिली भी हो सकती है, और आपके पर्सन डिसीजन लेंगे, मॉम भी हो सकते हैं उनकी, आपके पर्सन डिसाइड करेंगे और स्टार की एनर्जी में आ जाएंगे। आप ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी फील कर रहे हैं ना गाइस, ये मत कीजिए, दिस इज रॉन्ग। और स्टार की एनर्जी में आपके पर्सन आ जाएंगे तो आपको कप ऑफर करेंगे। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है कि ये डेस्टाइंड है कनेक्शन। ओके, आपकी डेस्टिनी में ही है कि आप लोग मिलेंगे और आप एक दूसरे को कप ऑफर करेंगे। द वर्ल्ड का कार्ड, ओके, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग जो हैं वो यूनियन में आने वाले हैं। पर गाइज, वही बात है कि आप लोगों को अपने पर्सन को तो हील करना ही है, आपके पर्सन बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि स्टार एनर्जी में सिर्फ उन्हें ही नहीं आना, स्टार एनर्जी में आपको भी आना पड़ेगा गाइज, ठीक है। यहाँ पर आप जो 5 ऑफ कप्स फील कर रहे हैं ना, दुख इतना, वो फील मत कीजिए, आपको स्टार के एनर्जी में आना पड़ेगा, तभी आपको ये कप ऑफर होगा। ओके, तो ये थी डिवाइन मैस्कुलाइंस की करंट एनर्जी, इस समय जो है स्ट्रगल काफ़ी कर रहे हैं, वो आपको ऑफर तो करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग में, जो करंट एनर्जी चेक होगा, और मैंने एक टॉपिक और सोचा है, उस पर भी बनाएंगे। चलिए फिर, बाय बाय।